एक दिन पहले मैंने देखी थी कुली नंबर वन। तो तब मैं बहुत उदास था। एंड अभी मैंने देखी है एके वर्सेस एके और अब मैं बहुत ज्यादा Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya. तो यार कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, बट मेरी भावनाओं को समझो। तो यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते बट आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल जाता है। वैसा ही हाल हुआ मेरा एके वर्सेस एके देखने के बाद। एंड अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि भाई बॉलीवुड का कंपैरिजन आप हॉलीवुड के साथ कर सकते हो, पर इस मूवी के साथ नहीं। हाँ, मैंने अनुराग कश्यप की बहुत सारी मूवीज देख रखी हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव 2.0 या फिर गुलाल या नो स्मोकिंग, बट ये वाली मूवी सबसे अलग थी। सबसे बेस्ट और अच्छा पार्ट इस मूवी का यह है कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट हुई है, एंड इस स्टाइल से शूट करी मूवीज की रियलिटी और ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई ज़्यादा फालतू के सिनेमेटिक सीन्स नहीं, बस एक पर्सपेक्टिव और मूवी। इस मूवी से एक चीज साफ हो गई है कि इंडिया में भी अब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मूवीज को पॉपुलैरिटी मिलना चालू हो चुका है, एंड अब वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब इंडिया में भी फाउंड फुटेज सब जॉनर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर एके वर्सेस एके सॉरी शुरू करते हैं। एके वर्सेस एके का मतलब है अनिल कपूर वर्सेस अनुराग कश्यप, एंड ये टाइटल पूरी मूवी को जस्टिफाई भी करता है। मूवी का पूरा प्लॉट किडनैपिंग का राउंड रिवॉल्व करता है, एंड यहाँ पर किडनैपर होते हैं अनुराग कश्यप, एंड जो किडनैप हुई होती है वो होती है सोनम कपूर। अब अनिल कपूर अपनी बेटी को कैसे बचाते हैं यही पूरी मूवी की कहानी है। एंड अभी आपको सुनने में इतना मजा नहीं आ रहा होगा, बट आप जब मूवी देखोगे तो आपको एक अलग ही फील आएगी। मूवी में रियल नेम्स, रियल पर्सन, रियल आइडेंटिटी, सब कुछ रियल में यूज हुआ है। कुछ सीन में डिटेल्स इतनी ज्यादा है कि लगता है कि ये लड़ाई असलियत में हो रही है। एंड वो रेलवे स्टेशन में चेजिंग वाला सीन तो इतना जबरदस्त है, मतलब आप बस देखना। ये मूवी बहुत सारे रिमेम्बरिंग सीन से भरी हुई है, जैसे वो वाला सीन जहाँ पर अनिल सर स्टेज पे डांस करते हैं, अनिल सर एंड अनुराग कश्यप के बीच में वो फाइट वाला सीन, एंड वो टॉक शो वाला सीन जहाँ से लड़ाई की शुरुआत होती है। अब यार ये मूवी तो मेरे को काफी अच्छी लगी, अब मेरे को आपके टेस्ट का नहीं पता, बट अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एके वर्सेस एके जरूर देखो। एंड यार मूवी का फाइनल सीन्स में जो रिविलेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।